प्रेज द लॉर्ड। ये वीडियो मैं अपने मुंबई के मसीह भाई बहनों के लिए, पास्टर्स के लिए और कलीसिया के लिए बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो वही लोग अंत तक देखना जो यीशु मसीह को मुख्य स्थान देते हैं अपनी ज़िंदगी में, बाइबल को मुख्य स्थान देते हैं और बाइबल के सिद्धांतों को सीरियसली अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं, वही लोग इस वीडियो को देखेंगे, वही कलीसिया इस वीडियो को देखेगी और वही पासवान इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। बाकी लोग आप इस वीडियो को अभी तुरंत इस वक्त डिलीट कर दीजिए क्योंकि आपका कोई काम का नहीं है। मुंबई में मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कुछ सेलिब्रिटीज और कुछ पोस्टर्स और कुछ पास्टर्स ये प्रमोट कर रहे हैं कि मुंबई में पीस फेस्टिवल होने जा रहा है, मुंबई में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आने वाला है जिसका नाम है बजिंदर सिंह। मैं मुंबई के कलीसिया से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, आपके लिए सर्वप्रथम क्या है? क्या आपके लिए सर्वप्रथम परमेश्वर का वचन, परमेश्वर खुद या फिर फेमस प्रचारक और झूठे प्रचारक हैं? अगर आपका जवाब है कि हमारे लिए यीशु मसीह दूसरा स्थान है, बाइबल दूसरा स्थान है, झूठा प्रचारक, फेमस प्रचारक हमारे लिए मुख्य स्थान है, तो आप इस वीडियो को अभी भी रोक कर आप आने वाले जो मीटिंग हो रही है उसको आप अटेंड कर लीजिए। लेकिन अपने विश्वास में सीरियस रहने वाले, बाइबल को सीरियसली मानने वाले क्रिश्चियन लोगों से यही मेरा सवाल है, अगर आप परमेश्वर के सिद्धांतों पे खड़े हैं, अगर आप परमेश्वर के वचनों को सीरियसली अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं और आपकी कलीसिया सच्ची है, आप सच्चे सेवक हैं, तो आप लोग जो हैं ऐसे झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यद्वक्ता बजिंदर सिंह के मीटिंग को ना आप अटेंड करेंगे, ना ही अपनी कलीसिया को आप सपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कि जाओ अटेंड करो, और ना ही आप दूसरों को भी जो है बहकावे में लेकर जाओगे। आप पूछोगे कि फ्रांसिस तुमको बजिंदर सिंह से कोई प्रॉब्लम है क्या, उसकी मिनिस्ट्री से कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए, मुझे बजिंदर सिंह से और उसकी मिनिस्ट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बजिंदर सिंह के फॉल्स टीचिंग्स और उसके झूठे सिद्धांतों से बहुत बड़ी आपत्ति है, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूं और बाइबल के खिलाफ बजिंदर की सेवा है। आप पूछेंगे कि क्या गलत शिक्षा है उसका, डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो लिंक दे रहा हूं, आप देख सकते हो। ये झूठा भविष्यद्वक्ता एक बार नहीं बल्कि कई बार झूठी भविष्यवाणी करते हुए पकड़ा गया। के घर के आसपास वायरस, क्या वायरस का बाप भी नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं एक प्रोफेसी कर रहा हूं, इसको मैं 31 मार्च से पहले ही खत्म करा के दिखाऊंगा यीशु मसीह से प्रार्थना करके। ये 2030 में कहता है कि मैं 30 मार्च को जो है परमेश्वर से प्रार्थना करके कोरोना वायरस को खत्म कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि ये पैंडेमिक 2020, 21 और 22 में भी चल रही है। ये झूठा भविष्यद्वक्ता पॉलिटिकल भविष्यवाणी भी करता है और वो भी गलत साबित हो जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ सीटें ऐसी आएंगी, कुछ सीटें ऐसी आएंगी, कुछ लोग विवाद बना लेते हैं और बाद में घूम फिर के आपको वो चेहरा नहीं मिलने वाला जो पहले देखा आपने, बोला हालेलुया, समझ रहे हो? कईयों के तो वोट कार्ड भी नहीं बने हुए दिल्ली के अंदर, अपने कार्ड बनाओ, अपने वोट कार्ड बनाओ। मैंने आत्मा में देखा कि खिलने वाला है, कुछ खिलने वाला है, बस कोड वर्ड में बोल रहा हूँ। आपका स्माइल खिलने वाली है, तारीफ करो चोर से, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। खिलता कौन है? नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, बोला हालेलुया। मतलब कुछ मिली जुली सरकारें आप देखेंगे, लेकिन अपने हाथों को। चलो, ये तो रही झूठी भविष्यवाणी के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। ये अपने मिनिस्ट्री के द्वारा अनॉइंटिंग ऑयल बेचता है जो कि बाइबल के खिलाफ है, इसका जवाब भी हमने दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, देख लेना। ये अनॉइंटिंग वाटर, पानी बेचता है, अनॉइंटिंग साबुन बेचता है, अनॉइंटिंग टिकिया बेचता है, मतलब ये क्या है? आप ये झूठे प्रचारक, ये झूठे उपदेशक को आप मुंबई में स्वागत कर रहे हैं, उसकी मीटिंग को आप एंडोर्स कर रहे हैं। चलिए, मैं मानता हूँ ये सेलिब्रिटी लोगों को कुछ यहाँ वहाँ का पता नहीं, जहाँ भीड़ जहाँ फेम वहाँ पर वो लोग चले जाएंगे, तो ये सेलिब्रिटीज को मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो पास्टर लोग हैं आप लोग अपने आप को सेवक मत कहिएगा अगर आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाले को रिजेक्ट कर सकते हैं। अपने आप को सेवक मत कहिएगा, अपने आप को सच्ची कलीसिया मत कहिएगा, क्योंकि बाइबल क्लियरली कहती है परमेश्वर के सेवक का जो सच्चा पहचान क्या है, ही विल राइटली डिवाइड द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को सही तरीके से प्रस्तुत करेगा। और जो कलीसिया, जो सेवक परमेश्वर के वचन को सही तरीके से प्रस्तुत करता है, इन झूठे प्रचारकों के खिलाफ खड़ा रहता है और उनको एंडोर्स और सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे पता है ये वीडियो को देखने बाद इसका परिणाम मुझे भुगतना होगा, क्योंकि मुंबई में जो कुछ लोग हैं जो अपने आप को पास्टर कहते हैं लेकिन वो पास्टर के साथ और भी कुछ हैं, वो मुझे फोन करेंगे, मुझे धमकियां देंगे
और मुझे थ्रेटन करेंगे, जिसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन लोगों को ये नहीं पता है कि मेरे लिए यीशु मसीह मेरे सामने है, क्रूस मेरे सामने है। ज्यादातर मेरे ऊपर केस करेंगे या फिर लड़कों को रखकर मुझे धमकाएंगे, और मैं भी उस चीज के लिए तैयार हूं और मैं भी उस चीज को झेल लूंगा। लेकिन कलीसिया से मेरा सवाल है, क्या आप परमेश्वर के सत्य वचन के साथ खड़े हैं या फिर झूठे प्रचारकों के साथ खड़े हैं? अगर आप परमेश्वर के सच्चे वचन के साथ खड़े हैं, झूठे प्रचारकों को रिजेक्ट करो, उनके मीटिंग्स को सपोर्ट मत करो, चाहे इसके लिए कुछ भी झेलना पड़े, क्योंकि यीशु मसीह उस टाइम पर उन यहूदियों के बीच में भी यही काम किए, फरूसी सदुकियों के गलत विचारधाराओं के खिलाफ खड़े हुए, जिसके लिए यीशु मसीह को सहना पड़ा क्रूस। प्रेरित पॉल भी जो है कोरिंथ की कलीसिया और एफेसी कलीसिया के बहुत सारे झूठी शिक्षाओं को डांटकर उनको एक्सपोज करते थे। हाइमेनेस को एक्सपोज किया, फिलेटस को एक्सपोज किया, देमास के बारे में बात किया, और वही कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं चर्च के इतिहास में रेफॉर्मेशन हुए हैं झूठे शिक्षाओं के खिलाफ, झूठे सिद्धांतों के खिलाफ, और बहुत सारे मिशनरीज अपने जान को दे दिए हैं सच्चे गॉस्पल को आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन वो सच्चे गॉस्पल को पाने वाली कलीसिया क्या ये झूठे प्रचारकों की मीटिंग में जाकर झूठी शिक्षाओं को पाकर और कहेगी ये पीस फेस्टिवल है? ये दुनिया के लिए पीस फेस्टिवल हो सकती है, लेकिन दीस पीपल आर डिस्ट्रॉइंग द पीस दैट गॉड गेव अस थ्रू हिज स्क्रिप्चर। परमेश्वर ने हमें जो शांति उनके वचनों के द्वारा दिया है, उन वचनों को खराब करके, उन वचनों को गलत प्रस्तुत करके परमेश्वर और हमारे बीच के शांति को ये लोग तोड़ेंगे। अब इतना कहने के बाद भी कुछ लोग जाएंगे, मुझे पता है। और मैं हैरानी वाली बात, एक रिसेंटली मुझे पता चला, एक मेरे पहचान के भाई है, उन्होंने मुझे एक कार्ड भेजा, डायमंड कार्ड, यानी कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के मिनिस्ट्री में कार्ड होते हैं, मेंबरशिप कार्ड होता है विद एक्सपायरी डेट, और ये डायमंड कार्ड का कॉस्ट कुछ 1 लाख के ऊपर मुझे बताया गया। जो सुना मैं बता रहा हूँ, वो कार्ड का जो फोटो भी जो है मैं आपको दिखाऊंगा, और ये कार्ड रखने वाले, डायमंड कार्ड रखने वाले जो 1 लाख रुपए से महंगे वाली ये मेंबरशिप है, उन लोगों को डायरेक्ट प्रॉफिट साहब से कॉन्टेक्ट रहेगा, वो फोन करके बात करके प्रार्थना कर सकते हैं। ये कैसा बिजनेस है, ये कैसा बेशर्मी वाली काम है। अब कलीसिया और कुछ पास्टर मेरा विरोध करेंगे, मेरे बारे में बुरा भला कहेंगे, कमेंट में गालियां देंगे, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। लेकिन मैं यही चीज कहूंगा, आप लोगों के लिए फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो सारी कलीसियाएं, वो सारे विश्वासी, वो सारे पास्टर जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं सच्चाई देखने के बावजूद, एक दिन मत्ती 7वां अध्याय वचन 21 से लेकर 23 तक जो लिखा हुआ है वो हाल ना हो जाएगी। हे प्रभु, हे प्रभु, हम मीटिंग गए, हे प्रभु हमने भविष्यवाणी की, हे प्रभु हमने चमत्कार किया, और यीशु मसीह खुलकर उनको कह देंगे, हट जाओ मेरे नजर से कुकर्मी हो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, कुकर्मी हो, यू ईविल डूअर्स, गेट अवे फ्रॉम मी, आई नेवर न्यू यू। तो मैं आग्रह, मेरा रिक्वेस्ट है मुंबई की कलीसिया से, इस बात को सीरियसली ले। आपको बस इतना ही करना है, अपने कलीसिया के लोगों को समझाना है, अपने पहचान के पास्टर को समझाना है कि ये तेल, पानी, नमक, साबुन बेचने वाला ये झूठा भविष्य दक्ता परमेश्वर का वचन को नहीं बांट रहा है, परमेश्वर के नाम से वो जो है व्यापार कर रहा है। और आप देखो, जितने भी जो ग्रुप्स हैं, जो क्रिश्चियन एंटी क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं, नो कन्वर्जन हो गया, मिशन काली हो गया, ये लोग इसी बजिंदर जैसे लोगों का वीडियो लेकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। रिसेंटली भी वो मेरा यीशु यीशु वाला जो क्लिप है उसको लेकर कितना मजाक उड़ाया गया। रिसेंटली वैसे भी एक न्यूज चैनल वाले ने देखा, एक मरी हुई बच्ची समझकर उसको जिंदा करने का जो दावा किया उसको एक्सपोज किया। अब झूठा भविष्यद्वक्ता का झूठा भविष्यवाणी एक्सपोज हुआ है, उसकी झूठी शिक्षा एक्सपोज हुई है, लेकिन जानने के बाद भी जो कलीसिया इन चीजों में भाग ले रही है, बस मुझे पॉल वॉशर का एक कोट याद आता है, और वो ये कहते हैं कि फॉल्स टीचर्स आर गॉड्स जजमेंट अपॉन दीस पीपल। जो झूठे भविष्यद्वक्ता है वो ऐसे झूठे मसीहों के ऊपर परमेश्वर की ओर से आई हुई एक जजमेंट है वो। तो ये जजमेंट में जो लोग हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बस मैं वार्न कर सकता हूं, मेरा काम है, मैंने वार्निंग दे दी। अब कलीसिया के ऊपर है कि वो जाएंगे, सपोर्ट करेंगे, एंडोर्स करेंगे, बस अपने आत्मा को आप नुकसान मत करो, दूसरे लोगों को भी लेकर जाकर परमेश्वर से उनको दूर लेकर जाने के जिम्मेदार आप मत बनना। हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना और अपने भाई बहनों को सतर्क करना, क्योंकि झूठे भविष्यद्वक्ता जो है आपके आत्मा के लिए नुकसान है। डरिएगा मत, यीशु हमारे साथ है। जब आप विरोध करेंगे, आपके आसपास के लोग आपको धमकाएंगे, आपको थ्रेटन करेंगे, डरिएगा मत, क्योंकि यीशु मसीह नहीं डरे, वो दृढ़ खड़े हुए, क्रूस तक पहुंच गए, पौलुस दृढ़ खड़े हुए, और उन्होंने भी जो अपना जीवन गवा दिया, और लाखों मिशनरियों ने सच्चे गॉस्पल के लिए अपना जीवन गवाया। हमको तो सिर्फ
लोगों को एजुकेट करना है और ऐसी झूठी शिक्षाओं से, ऐसे ढोंगी मिरेकल से जो है हम विश्वासियों को बचाना है, क्योंकि आज मसीहत जो है इन्हीं लोगों के वजह से बदनाम हो रही है। मसीहत क्या है? यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का गॉस्पेल का सुसमाचार, और जो मिशनरियों ने सोसाइटी को डेवलप करने का काम किया है वही काम हमें करना है। ये स्टेज लगाकर, ये मिरेकल का ढोंग करके लोगों को मिसलीड करना, ये काम जब जो है नहीं करना है। लोग कहेंगे तू पवित्र आत्मा के खिलाफ है, जो भी ऐसा कहता है मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ, बाइबल खोलो मेरे साथ, लाइव डिबेट आओ। बजिंदर सिंह को भी मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, मुंबई में है तो मैं भी मुंबई में आ जाता हूँ, डायरेक्टली हम सामने सामने डिबेट करेंगे और लोगों के सामने दिखाएंगे कि किसका वचन का इंटरप्रिटेशन सही है। वीडियो को शेयर करिए और सावधान रहिए झूठे शिक्षकों से, क्योंकि पॉल कहते हैं ये लोग जो है मेरे बाद आएंगे और तुम्हें फाड़ डालेंगे, ये भेड़िए हैं, और ये भेड़ियों से खुद को बचाओ और कलीसिया को भी सावधान करो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। प्रार्थना में याद रखिए मुझे और उन सभी भाइयों को जो सच के लिए लड़ते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ज्यादा लोग और उनके साथ प्रार्थना करने वाले कम लोग हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करेगा। बी स्ट्रांग, स्टैंड फॉर द ट्रूथ। गॉड ब्लेस यू।